बाइक के सामने ब्लॉग बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है, इसलिए फर्स्ट प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ। जब हम लोगों ने शोरूम से ये बाइक लिया था, देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें पूरा पानी जा चुका है DRL में, इसी ने स्क्रैच मार दिया है। पर देख सकते हैं ये रोड ऐसा बना हुआ है, देखिए कितना बम्प मार रहा है रोड पे, देखिए बाइक ऐसा उछल रहा है मेरा। सर्विस एरिया इसका शोरूम के पीछे है तो पीछे ले जाना पड़ेगा, बहुत बवाल है। वन ऑफ द बेस्ट रोड हम लोग के एरिया में। ऐसा नॉर्मल लाइट है और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये KTM जैसा लाइट है, यहाँ एग्जॉस्ट चेंज है, ये लुमिनार का एग्जॉस्ट हो गया। एक बात पूछना था आपसे, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, एक राइड लगा दूँ न्यू बाइक पे। हेलो नमस्ते, सलाम दिस आज खान का बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस फाइनली आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और वो भी मोटो ब्लॉग से, और देख सकते हैं ये आप सामने अपना बाइक रहा। जब भी बाइक के सामने ब्लॉग बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है, इसलिए आज भी बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मोटो ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने शोरूम से ये बाइक लिया था, तभी जब वॉश होकर जो फर्स्ट फर्स्ट शुरू शुरू निकला, तभी इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें पूरा पानी जा चुका है DRL में, इसमें एंड इसमें दोनों में पानी जा चुका है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग उनको कंप्लेन किए थे, फर्स्ट सर्विसिंग इसका ऑलरेडी हो चुका है 500 किलोमीटर में, तो उन्होंने बोला था कि इसका मीटिंग होगा एंड मीटिंग में जो बात होता है, अगर चेंज हुआ तो चेंज, नहीं तो ठीक करवा के देंगे। तो फिलहाल पापा से बात हुआ है उनका, हमको नहीं पता ये चेंज करवा कर देगा या ठीक करेगा, वो तो मुझे पता नहीं है। अभी जा रहा हूँ मैं शोरूम मिर्चिया के शोरूम, मेन इसका ब्रांच मिर्चिया है, इसलिए मिर्चिया जा रहा हूँ बजाज का। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इसका क्या है गाइज, आपको बता रहा हूँ बहुत दुख लगेगा, ये तो कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। इसका सेकेंड प्रॉब्लम देख सकते हैं यहाँ पर, शादी मेरे घर में शादी था उसमें ये स्क्रैच लग गया, यहाँ पर ब्लैक है इसलिए फुल पता नहीं चल रहा होगा। और सबसे मेन स्क्रैच यहाँ पर देख सकते हैं, ये मॉन्स्टर जो मैंने चिपकाया स्टिकर, उसी स्क्रैच की वजह से इसको खार के, इसको मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये देख सकते हो कितना बवाल, किसी ने स्क्रैच मार दिया है, ये चेक करो गाइस, बाप रे बाप, यहाँ से स्टार्ट किया है पूरा, ये रहा पूरा स्क्रैच इधर, और इधर भी पूरा स्क्रैच लगाया है आपने, इसलिए ये मॉन्स्टर का स्टिकर मैंने चिपका दिया है, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। देख सकते कितना हार्ड स्क्रैच मारा हुआ है, ऊपर तक पता चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पता चल रहा है यहाँ पर, ये पूरा स्क्रैच, बहुत दुख लगता है यार, किसी ने स्क्रैच मार दिया। ऐसे देख सकते हैं वहाँ पर जैसे बाइक लगा, वहीं पर बड़े अब्बू आए थे और बाइक लगा दिए थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 घंटा बाद भैया लेकर जो बाइक जा रहे थे, तब देखें यहाँ पर किसी ने वहाँ पर बाइक लगा हुआ था, तो किसी ने स्क्रैच मार दिया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड यहाँ पूरा एकदम हार्ड स्क्रैच है, क्या किसी कील से पूरा मतलब स्क्रैच कर दिया है, देख सकते कितना महीन स्क्रैच है यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसमें तो मॉन्स्टर का ये चिपका दिया अच्छा से। तो फिलहाल अभी चलते हैं, ऑन करते हैं बाइक, चलते हैं मिर्चिया, इसका ये ठीक कराना पड़ेगा, तो जो DRL में पानी अंदर गया हुआ है, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ कुछ देर तक, और गर्मी बहुत है, बहुत दिनों बाद हेलमेट है, बोला सांस फूलने लगा यार। तो गाइस बाहर निकलते रोड पे, उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि पूरा सांस फूलने लगा, हेलमेट के अंदर बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ पर से। फाइनली गाइस रोड पे पहुँच गए, और अब हाईवे अपने टर्न में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन मेरा नहीं है, मेरा अपने खुद का लाइन में जाना पड़ेगा, तो अभी रॉन्ग लाइन में जा रहा हूँ, तो अपने लाइन में चलता हूँ, इंडिकेटर ऑन करके, पीछे कोई आ रहा है, बाइक आ रहा था पीछे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना गर्दा उड़ रहा है, क्योंकि पानी नहीं पटाया हुआ है, कल पानी पड़ा था तो जमा हुआ है यहाँ पर, बीच बीच में पानी नहीं पटा हुआ है, इसलिए बहुत गर्दा उड़ रहा है। और फ्यूल देख सकते हैं आप, फ्यूल तो ऑलमोस्ट हाफ लीटर है, हाफ टैंक है फ्यूल इसमें, और आपको बोले थे 500 में इसका सर्विसिंग हुआ था, अभी 952 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, आप शायद 1000 में या 1200 में किलोमीटर में सर्विसिंग, नेक्स्ट सर्विसिंग होगा इसका, फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है। तो फर्स्ट सर्विसिंग में गए थे तो बोले थे कि ये मतलब सामने जो DRL में पानी अंदर है वो कैसे ठीक होगा, तो उन्होंने बोला कि इसका कंप्लेन आप लोग करिए, उसके बाद हम लोग मीटिंग में बैठ कर एंड बात करेंगे, देन बात होगा जो होगा, बात भाईजा लगा कर उसके बाद बात करते हैं आपसे, क्योंकि पूरा हवा अंदर आ रहा है और नॉइज पोल्यूशन होगा, और अच्छा से आवाज़ भी नहीं जाएगा माइक में, इसलिए वाइजर लगा दिए। तो गाइस इसमें मीटिंग बोला था, मीटिंग होगा हम लोग का सब, मतलब बैठकर उसके बाद मीटिंग करेंगे, एंड देन क्यों पानी घुसा इसमें, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब का बात होकर, और हुआ तो चेंज करवाएंगे, होगा तो चेंज कर देंगे पूरा आपका फेस, वो जो DRL लाइट है दोनों वो चेंज कर देंगे, नहीं तो उसमें से ठीक करेंगे। अब फिलहाल क्या हुआ बात, वो पापा से हुआ बात,
तो अभी जा रहे हैं मिर्चिया, उसको ठीक कराएंगे क्योंकि पानी अंदर अंदर बहुत दिन से पानी, जब से हम लोग बाइक लिए हैं ऑलमोस्ट तब से ही पानी इसमें अंदर है। तो इसके वजह से लाइट जो है उसका शीशा वाइट कलर शीशा है वो पूरा पीला पीला होने का चांस है, तो इसलिए हम लोग चेंज करवाएंगे क्योंकि न्यू बाइक है, न्यू बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो पता नहीं अब क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया, ना मुझे पता है ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि बाइक तो अच्छा है कंडीशन, अभी तक कुछ मतलब डिस्टर्ब नहीं हुआ हम लोग को, अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ बाइक है। बस एक वो DRL में पानी अंदर गया हुआ है एंड यहाँ पर जो स्क्रैच लगा दिया किसी ने, पता नहीं क्यों ऐसे करता है आदमी लोग, बाहर में लगाए हुए थे गाड़ी पूरा स्क्रैच लगा दिया। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड बना हुआ है, बहुत दिन से हम सोच रहे थे ब्लॉग में बताएंगे पर बता नहीं पा रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये रोड ऐसा बना हुआ है, देखिए कितना बम्प मार रहा है रोड पे, देखिए बाइक कैसे उछल रहा है मेरा, रोड पूरा हाईवे है पर देखिए मेरा बाइक कैसे उछल रहा है, देखिए कैसे उछल रहा है बाइक, लाइक लग रहा है कि तेल फ्यूल नहीं है बाइक में। बीच रोड में वैसा नहीं है पर आप साइड में अगर गए, जैसे लाइक यहाँ पर साइड में गए तो आपका बाइक पूरा जंप मारेगा, देख सकते हैं आप लोग कैसे जंप मार रहा है बाइक, देख सकते देखिए, मतलब यहाँ पर जो रोड बना हुआ है अजीब रोड बना हुआ है, कभी कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, कुछ रोड अच्छा से नहीं बना हुआ है। कल एक हफ्ता पहले धनगढ़ी से पीछे छपरारी नाम का एक चौक है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, ऑलमोस्ट स्कॉर्पियो में 22 आदमी था पूरा रोड पर, लाइक आप लोग सोच सकते हैं पूरा रोड पर 22 आदमी पड़ा हुआ था पूरा इधर उधर उधर, बाप रे ऐसा डेंजर एक्सीडेंट हुआ था ना वो दिन, स्कॉर्पियो में 22 आदमी लेकर जाना ये तो गलत बात है, पर जो स्कॉर्पियो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था पूरा 22 आदमी रोड पर पड़ा हुआ था, उसके बाद एम्बुलेंस सब आया और सब अभी फिलहाल 2-3 आदमी उसमें सीरियस था, सबको विराटनगर लेके गया हुआ है, सब इसका स्टाफ था रोड का, जो रोड में काम करता है उसी का स्टाफ था और सब उधर लाहन तरफ से आ रहा था और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। देख सकते कितना बम मारा है रोड, अभी तक पूरा रोड खराब है, यहाँ तक साइड साइड में पूरा बम मारता है, पूरा जंप करता है बाइक। वो जो स्कॉर्पियो है ना पीछे खाली वाला सेम ऐसे ही स्कॉर्पियो था, और ये जो बेचारा सब काम कर रहा है मजदूर सब, ये लोग को सबको 22 आदमी को एक स्कॉर्पियो ठूस के लेके आ रहा था, और जब एक्सीडेंट हुआ बेचारा सब रोड में पड़ा हुआ था, बहुत मजा लगा पर वो देख के। किसका फ़ोन आ रहा है, शायद पापा का फ़ोन आ रहा होगा, रोकते बाइक। तो गाइस पापा का फ़ोन आया था, जो शोरूम है वो 4 बजे बंद हो जाता है, क्लोज होता है, तो अभी टाइम 6:03 हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो फटाफट जाना पड़ेगा नहीं तो शोरूम बंद हो जाएगा और फिर कल जाना पड़ेगा, इसलिए आज का काम आज ही ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो कल फिर से जाना पड़ेगा मिर्चिया बहुत दूर है उधर, गोलरा तक तो रोड ठीक है पर बस मिर्चिया का रोड बहुत बेकार है, इसलिए मिर्चिया जाने का मन नहीं करता है। तो कल आज इसका जैसे भी काम ख़त्म कर देते हैं और कल होगा तो इसमें कुछ मतलब 1000 लाइट लगाना पड़ेगा, बहुत दिन से सोच रहे 1000 लाइट लगाना पड़ेगा, और अभी काम में इतना बिजी थे इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहे थे, फिलहाल अभी फ्री हुए हैं कल, तो आज ब्लॉग बना रहे हैं एंड देर हेयर कट भी कराना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो चुका है हेयर, वही टाइम मिला फिलहाल आज, कल ही मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है काम, उसके बाद आज जा रहे हैं, आज जैसे भी कुछ ख़त्म करना पड़ेगा नहीं तो फिर काम आ गया तो फिर। गाइस ये जो सामने स्कॉर्पियो जा रहा है, एक मिनट आपको क्लोज से दिखाता हूँ, जो स्कॉर्पियो इसी में पूरा ऑलमोस्ट 22 आदमी को लेकर जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ था, देख सकते हैं गोल बाजार तो क्रॉस कर लिया और अब मिर्चिया आने वाला है, यहाँ पर ऑफ रोड देख सकते हैं और रोड कमर तोड़ने वाला रोड है यार, ये तो बाप रे बाप, इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बम मार रहा है ना बाइक, आप थोड़ा ठीक हुआ नहीं तो पीछे तो पूरा ख़राब था रोड, देख सकते हैं बीच में कितना बड़ा गड्ढा सब है, इसलिए नहीं आते इधर मिर्चिया तरफ, इधर रोड पूरा बेकार है क्या, यहाँ पर फैक्ट्री है ना बड़ा, इसलिए पूरा रोड बड़ा गाड़ी चलता है तो रोड ख़राब है पूरा यहाँ पर। ओ भाई इतना ख़राब रोड, हालत चाट हो जाता है यार ये रोड पर, तो पूछता इधर से हम लोग जाते थे नहाने, पहले हम लोग सब साथ में थे ना, अभी लोग सब भाई लोग कहाँ सब चला जा चुका है अपने, और इधर से हम लोग जाते थे नहाने ऊपर नमस्ते झरना है उधर, नहीं सॉरी नमस्ते झरना नहीं, आकाश गंगा है वहाँ पर जाएंगे किसी दिन, पर उधर पहाड़ की तरफ झरना है क्या, एक वाटरफॉल है उसका नाम आकाश गंगा है, तो वहीं पर सब जाते थे पहले हम लोग नहाने, लॉकडाउन में बहुत जाते थे पर फिलहाल अभी नहीं जाते हैं, जाता है भाई लोग पर मुझे गए बहुत दिन हो गया है, तो ट्राई करेंगे कभी, प्लान बनाकर जाना पड़ेगा उधर। देख सकते हैं यहाँ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक है, एक आदमी इस साइड है एक आदमी उस साइड है गाड़ी सबको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि बीच रोड में काम हो रहा है, इसलिए ये चौरवा आ गया, इधर से आप लोग सीधा जा सकते हैं बॉर्डर साइड, उसके बाद बॉर्डर पार करके सीधा इंडिया। तो गाइस देख सकते हैं ये रोड बहुत अच्छा है, मिर्चिया से आने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कैंप है आर्मी कैंप, वहाँ पर का रोड बहुत बवाल है, वन ऑफ द बेस्ट रोड हम लोग के एरिया में,
पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा सीधा है, पूरा स्ट्रेट रोड है, ना कुछ बम्प है ना कुछ जंप है। यहाँ पर बस कज़ा 0 माइल जो मेरा घर के साइड पे है ना 0 माइल कज़ा, वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है। रोड बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतना जंप करता है ना बाइक। और यहाँ पर देख सकते कितना स्मूथ बाइक जा रहा है। और ये रहा बेस कैंप, आर्मी का बेस कैंप बहादुर सैनिक चौक, सैनिक कैंप ये रहा। पूरा ये पूरा एरिया में कवर हुआ है, देख सकते हैं आप लोग पूरा इधर। इसी वजह से ये जो पूरा फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री की वजह से ये रोड पूरा बेकार है, देख सकते हैं उधर रोड नहीं बना हुआ है। और यहाँ पर ये फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा ट्रक सब आता है, इसलिए ये रोड मतलब ऑलमोस्ट ख़राब ही रहता है। पर अभी फिलहाल जो ये रोड बना तो रोड बना हुआ है, नहीं तो ये भी कुछ दिन के बाद ख़राब ही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा ट्रक लगा हुआ है, सब इसमें आता है सब। ये जो मारुति फैक्ट्री है और इसमें बियर का ये फैक्ट्री है, दोनों मिक्स है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा बड़ा ट्रक सब आता है। तो फाइनली गाइस मिर्चिया पहुँच गए और वो रहा बजाज का शोरूम। और फटाफट जाते हैं, अभी टाइम हो रहा है 3:36, देख सकते हैं आप लोग 3:36 हो रहा है। तो यहाँ पर से फटाफट शोरूम में जाते हैं, बस बंद ना हो और काम हो जाए आज का, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगा। और अपना बाइक यहाँ पर एक्सचेंज किए थे, है कि नहीं है पता नहीं। यहाँ पर लगाते हैं बाइक और उसके बाद देखते हैं। ये रहा बजाज का शोरूम। गाइस यहाँ पर बात हुआ काउंटर पे, इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। पीछे इसका मतलब ये शोरूम के पीछे, इस एरिया इसका शोरूम के पीछे है, तो पीछे ले जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको पीछे ले जाते हैं और देखते क्या क्या चेंज होगा, इसका चेंज होता है कि ठीक होता है पता नहीं। ये रहा सर्विस एरिया इसका। ओह माय गॉड, क्लास तो ठीक नहीं हो सका क्योंकि वो जो सामान है इसका, ये वाला लाइट है वो अभी रास्ता में है, आ रहा है, तो फिलहाल आज चेंज नहीं होगा। और ये देख सकते हैं ये रहा N250 250cc का, इसका देख सकते हैं क्या क्या चेंज है। उसमें ऐसा नॉर्मल लाइट है और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये KTM जैसा लाइट है। यहाँ पर ये 250cc का है, 250cc का। इसमें एग्जॉस्ट चेंज है, ये डोमिनार का एग्जॉस्ट हो गया। और सामने से इसका देखिए, यहाँ पर इसका मीटर भी चेंज है और इसमें मीटर इस डिजिटल भी है और इसमें काटा वाला भी मीटर है, देख सकते हो इसका। बाप रे बाप, पूरा यहाँ पर एक लाइट भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर भी इसमें वो वाला सिस्टम नहीं दिया जो हम लोग में ऐसे हाई लो वाला सिस्टम नहीं है इसमें। और इसका हैंडल देख सकते हैं, इसका ये रहा की कुछ इस तरह। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका, यहाँ पर भी इंडिकेटर चेंज है। और इसका इंडिकेटर देखिए, ये 150 हुआ मेरे जैसा और ये 250 हुआ। और इसका देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर भी चेंज है, ऐसा इंडिकेटर लगाऊंगा मैं अपने बाइक में। और इसका फ्रंट का देख सकते हैं आप लोग, क्या बवाल लग रहा है यार। इसका डिश भी एकदम बड़ा है, उससे बड़ा इसका डिश है। और देख सकते हैं ये 150 हुआ, सॉरी ये 150 हुआ, ये 250 हुआ, कुछ इस तरह लग रहा है देखने में, क्या बवाल लग रहा है यार। पर इसका सीट भी कट है, इसका सीट पूरा प्लेन है क्योंकि ये फैमिली बाइक हुआ। और इसका सीट देख सकते हैं आप लोग, कट है यहाँ पर सीट, बवाल लग रहा है पर देखने में ये दोनों। तो फाइनली गाइस अभी सब कुछ हो चुका है इसका, इसका सोकर में से आवाज़ आ रहा था वो भी चेक करवा ली। और ये जो लाइट अभी ठीक नहीं हुआ फिलहाल, क्योंकि इसका सामान अभी रास्ता में ही है लाइट, तो वो दोनों लाइट चेंज करेगा, पूरा ठीक करके नहीं देगा, पूरा लाइट ही चेंज करेगा। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं घर, देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा पूरा सर्विस, यहाँ पर हो रहा है अंदर ऑफिस। तो यहाँ पर से निकलते हैं, बेकार में यार मिर्चा आया है, कुछ काम भी नहीं हुआ, सामान भी नहीं आया। और इसका ब्लूटूथ भी कोड भी नहीं आया अभी तक, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कोड आ गया है पर किसी को आता नहीं यहाँ पर। तो बोला कंपनी से ऊपर से आदमी आएगा, उसके बाद सब कुछ सिखाएगा, देन ब्लूटूथ कोड आ जाएगा, तो उसके बाद मोबाइल में हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर फ़ोन आया या कुछ आया तो यहाँ पर मीटर में शो हो जाएगा सब कुछ। तो फिलहाल अभी जाते हैं घर, अगर हुआ तो काम गोलिया में रुकेंगे। और वहाँ पर देखें आप, 250cc में जो लाइट लगा हुआ था वो शायद वैसा लाइट डुक में लगता है, तो वो लाइट लगाएंगे। कितना बवाल लग रहा था यहाँ पर, ये बहुत मोटा लाइट है ना, वो वाला लाइट हुआ तो लगाएंगे, उसमें कितना बवाल लग रहा था। हम लगाने वाले थे, हमको मन कर रहा था लगाने का, पर हमको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा लगा कर मतलब कैसा लगेगा। वीडियो समय तो देख रहे थे अच्छा लग रहा था, पर जो फेस टू फेस देखता है ना आदमी अपने आँख से, वो अलग ही होता है। तो अभी फिलहाल 250 में देख लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, तो उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। KTM का लाइट, KTM का इंडिकेटर था उसमें लगा हुआ, तो ऑर्डर करके उसके बाद लगाएंगे। और ये 2 दिन में आना पड़ेगा इसका लाइट,
ठीक होगा। तो गाइज एक बात पूछना था आपसे, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर देख सकते हैं 970 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुका है और इसका सर्विसिंग 600 किलोमीटर में सर्विसिंग, इसका फर्स्ट सर्विसिंग हुआ और सेकेंड सर्विसिंग जो है वो बोला 2000 किलोमीटर में होगा। तो अभी फिलहाल इसका 970 किलोमीटर चल चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताइए, एक राइड लगा दूँ न्यू बाइक पे 1000 किलोमीटर का राइड, तो फिलहाल शायद 800-900 किलोमीटर का राइड लगा दूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप लोग कमेंट किए कि हाँ इसी ये बाइक से राइड करो तो इंशाल्लाह उधर भिलेटार की तरफ जाएंगे। भिलेटार में अभी नया एक स्काई पुल खुला हुआ है और वो पुल मतलब हम ब्रिज देख रहे थे बहुत दिन से और वो अभी ओपन हो चुका है तो फिलहाल उसमें जाने का मन है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये न्यू बाइक से एक राइड लगा दूँ और राइड से आऊँगा तो अगर 2000 किलोमीटर पुग गया तो सर्विसिंग करवा दूँगा, और नहीं तो फिर अगर 2000 किलोमीटर नहीं पुगा, और हमको लग रहा है 2000 किलोमीटर नहीं पुगेगा क्योंकि यहाँ से भिलेटार ऑलमोस्ट 700-800 किलोमीटर है, तो 2000 किलोमीटर नहीं पुगेगा, 700-800 किलोमीटर नहीं है सॉरी 500 किलोमीटर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से इठाड़ी 130 किलोमीटर है और इठाड़ी से धरान 20 और उसके बाद धरान से भेलेटार 25, तो 170-175 किलोमीटर बस हुआ, उतना भी नहीं ख़त्म होगा। तो 200 किलोमीटर समझिए ना, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर में राइड में लगेगा क्योंकि अगर नमस्ते सरना तक गए तो 200 किलोमीटर तक चला ही जाएगा ये बाइक। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, न्यू बाइक राइड करूँ तो प्लान बनाऊँगा, अकेले ही निकल जाऊँगा और उसके बाद वहाँ पर जो भिलेटार में न्यू ब्रिज खुला हुआ है उसका आप लोग को शेयर करूँगा वो कैसा है, क्योंकि बहुत मतलब टूरिस्ट प्लेस है वो, वहाँ पर बहुत आदमी सब जाता है, नमस्ते जानना के कारण वहाँ पे बहुत आदमी जाता है, पर अभी एक खुल गया वो स्काई ब्रिज तो और आदमी सब अट्रैक्ट होगा और किसी किसी को पता भी नहीं है वहाँ पर खुला हुआ है, तो इसलिए ब्लॉग बनाकर आप लोग को शेयर करूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना इसे राइड करूँ कि नहीं करूँ। तो फाइनली गया शाम हो चुका है और आज दुकान में सिर्फ पापा थे इसलिए मैं भी दुकान में बैठा हुआ था और अभी फ्री हुआ, अब घर जा रहा हूँ। और देख सकते हैं पापा ये बाइक लेकर आए थे और हम पल्सर, तो पल्सर छोड़ दिए, अभी पापा लेकर आएंगे शाम में थोड़ी देर बाद, अभी काम है क्योंकि कुछ न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो लोग आप लोग को जल्दी ही बताएंगे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे लिंक, अगर इंस्टाग्राम में मेरे कनेक्टेड है आप लोग तो आप लोग जल्दी ही पता चल जाएगा, नहीं तो ब्लॉग में थोड़ा लेट से पता चलेगा क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लेट से पोस्ट करता हूँ इसलिए। तो अभी न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए थोड़ा बिजी था, और इसमें भी देख सकते हैं ये गाड़ी भी बहुत, ये बाइक TVS बहुत दिनों बाद चलाया और इसका ब्रेक भी पूरा मतलब ख़त्म हुआ है, ब्रेक भी नहीं है पीछे, और इसमें लाइट भी देख सकते हैं कितना कम लाइट है। कल इसको उठकर, कल सुबह सुबह उठकर सबसे पहले इसका ही काम करूँगा, इसमें फॉग लाइट बहुत दिन से ला कर रखा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है कब लगाने का, पल इसको सुबह उठकर इसमें सबसे पहले फॉग लाइट लगाना पड़ेगा और उसके बाद इसका ब्रेक भी थोड़ा टाइट कराना पड़ेगा। फाइनली गाइस धनगढ़ी पहुंच गया हूं और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, कल सुबह सुबह इसका फॉग लाइट लगाना पड़ेगा, बहुत कम लाइट है इसमें, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है रात में। तो गाइस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना ब्लॉग, और तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।